राधे राधे भैया आप सभी को। मेरा तो आपसे इतना ही कहना है कि मैं भागवत कथा कहने आ रहा हूँ, ये बात तो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात हो जाएगी। भागवत कथा ना हम कह सकते हैं ना कोई सुन सकता है। भागवत कथा कर भी कृष्ण सकते हैं और कृष्ण ही सुन सकते हैं, क्योंकि कृष्ण के बिना भागवत का कोई अस्तित्व तो नहीं है। तो हम भगवान कृष्ण के आशिक हैं और भगवान कृष्ण के आशिक जो हैं तो हम गली गली भगवान कृष्ण के बारे में, उनकी लीलाओं के बारे में, उनके विचार और उनके द्वारा आपको मार्गदर्शन कैसे मिले, उनके उनके जीवन में कितने संघर्ष रहे, कितने कष्ट रहे, फिर भी वो मुस्कुराते रहे, ऐसे ही भागवत महापुराण के माध्यम से उसको कोट करके हम भगवान कृष्ण के जीवन का परिचय, भगवान कृष्ण की जो इतनी सुंदर जीवनचर्या है उसका परिचय देने आ रहे हैं, ताकि आप सब बड़ी आसानी से भगवान कृष्ण को अपने जीवन में अपने साथ रख सकें और भगवान कृष्ण के आशीर्वाद से अपने जीवन को आगे बड़ी आसानी से जी सकें। इसी माध्यम से मुक्ति फाउंडेशन, माननीय स्मिता ठाकरे जी, हम लोगों ने प्लान किया कि हम बच्चों बच्चों तक श्रीमद् भागवत महापुराण को पहुंचाएंगे और कृष्ण के जीवन को बड़ी आसानी से उतार पाएँ, ऐसे कुछ करेंगे। ये पहला अभियान यहाँ से शुरू करें। हिमांशु भैया, एक छोटी सी बात कहूँगा, टॉपिक तो इतना ही होता है कि किसी भी कार्य को करने से पहले हम गणेश जी की उपासना करते हैं, तो हमारा पहला दिन शोभा यात्रा है जो कि गणेश जी की उपासना के साथ शुरू होगा। शोभा यात्रा करेंगे, शोभा यात्रा करके हम भागवत जो महापुराण है उसको हम ग्रंथ नहीं मानते, किताब नहीं मानते, हम सीधे कृष्ण मानते हैं, वो साक्षात कृष्ण है, तो हम उनको शोभा की तरह लेके चलेंगे। और इसको छोटी भाषा में समझाना चाहें तो ये है कि जैसे अपने घर में हम दुल्हन या दूल्हा या घर में कोई अच्छा मांगलिक कार्य करते हैं तो बड़ा सुंदर सजाते हैं, यात्रा करते हैं, ऐसे ही हम इस कार्यक्रम को करेंगे कि शोभा यात्रा निकालेंगे और भागवत भगवान को वहाँ स्थापित कर देंगे। ये कार्यक्रम कल 9 से 11 में पूर्ण हो जाएगा और फिर दोपहर में 2 बजे उसी भागवत में से महत्व की कथा होगी कि भागवत क्यों सुने, किस लिए सुने, इसके सुनने से क्या होता है, इससे पहले किसी ने सुना तो क्या हुआ, ऐसे जो विषय हैं, सारे क्वेश्चन जितने क्वारीज हैं वो पहले दिन खत्म की जाती है, उसको महात्म कहते हैं, इंट्रोडक्शन। पहले दिन हम लोग महात्म करेंगे, फिर सेकंड डे सुखदेव जी का आगमन होता है, जो कि स्टोरी में आप सब सुनते हैं कि कथा में परीक्षित को श्राप मिलता है, सुखदेव जी आते हैं, ये सब विषयों में नेक्स्ट डे चर्चा होती है। लेकिन पहले दिन हम महात्म की चर्चा करते हैं, जिसके अंदर नारद जी सनक सनंदन सनातन सनत कुमार से प्रश्न करते हैं और ज्ञान भक्ति बैराग को मोक्ष प्रदान करते हैं, इस विषय में चर्चा करते हैं। और आगे अगले जो दूसरा दिन होता है, दूसरे दिन हम सुखदेव जी का आगमन करते हैं, परीक्षित जी के प्रश्नों का उत्तर करते हैं, फिर तीसरे दिन हम पूरे चरित्र का वर्णन करते हैं कि हमारी सृष्टि, हमारा भूलोक, हमारा ब्रह्मांड, हमारे देवता कौन है, कैसे हैं, हमारे बड़े क्वेश्चन होते हैं, भगवान है नहीं, कितने हैं, क्या है, हैं भी कि नहीं है, उन सब विषयों को हम नहीं पूछते, वहाँ पे स्वयं ऋषि पूछते हैं सूत जी महाराज से, वो सारा विषय करते हुए उसी चरित्र के दौरान चौथे दिन हम कृष्ण को का जन्म होता है, अवतार होता है जेल में, फिर पांचवें दिन हम नंदोत्सव मनाते हैं, छठे दिन हम गोवर्धन पूजा उनकी लीलाओं को करते हैं और सातवें दिन हम रुक्मणी विवाह सुदामा चरित्र को करते हुए भागवत के पूर्ण विराम की तरफ जाते हैं। अब तो भागवत कभी पूर्ण नहीं हो सकती क्योंकि हमारे पास इतनी क्षमता नहीं, लेकिन ये जरूर है कि हरि अनंत हरि कथा अनंता और कहाँ सुने बहुविधि हरि संता। हम लोग क्या होता है, हरि अनंत है, हरि की कथाएं अनंत है, उसको कहने का तरीका संतों का अलग अलग है, तो हम सब मिलके अलग अलग विचारों से, लेकिन ध्येय एक ही है कि सब कृष्ण से प्यार करें, कृष्ण से डरे नहीं, भगवान से प्यार करना सीखो, भगवान से डरो नहीं, यही मेरा उद्देश्य है कि गॉड फेयरिंग बनो, गॉड फेयरिंग बनने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि भगवान माँ बाप हैं, भगवान परिवार हैं, तो भगवान कभी किसी डर से नहीं मिलते, भगवान प्यार से मिलते हैं, भाव से मिलते हैं, विश्वास से मिलते हैं, संबंध से मिलते हैं, समर्पण से मिलते हैं, इसलिए भगवान से प्यार करो और भगवान से जितना हो सके विश्वास करो, डरो मत। जो डराते हैं लोग वो निश्चित रूप से खुद भी डरे होते हैं, इसलिए डराते हैं क्योंकि जो आपके पास होगा वही दोगे, इसलिए मैं भागवत महापुराण और कृष्ण की कथा से
ये मुक्ति फाउंडेशन में जो हो रहा है सुमिता ठाकरे जी के माध्यम से, इसमें यही कहना चाहूँगा आप सभी से कि एक बात नोट कर लीजिएगा कि मैं कृष्ण से प्यार करने सिखाने आ रहा हूँ, मैं भगवान से डराने या डर का कोई धंधा नहीं करने आ रहा हूँ। तो आप भगवान से प्यार करोगे तो प्यार करने में तीन ही सूत्र होता है, विश्वास, संबंध और समर्पण। आपको विश्वास करना पड़ेगा मुझ पे भी और कृष्ण पे भी, और करना इसलिए पड़ेगा 500 साल पुराने कृष्ण आज भी हमारे बीच में है। यहाँ दो दिन की स्टोरी भूल जाते हैं लोग, लेकिन कृष्ण कभी नहीं भूले जा सकते, राम कभी भी नहीं भूले जा सकते। इसी प्रकार से उनके विषय में बात करेंगे, आप सब आएँ, इसी बात की हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, राधे राधे। और बस जल्दी जल्दी ये पूछना चाहूँगा कि बॉम्बे बहुत फास्ट लाइफ है यहाँ पे, और जैसा आपने पिछली बार कहा था कि आप हब बनाना चाहते हैं एजुकेशन का, और साथ ही साथ बच्चों को वेदों की शिक्षा देना चाहते हैं, तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? मेरा आप सबसे, हिमांशु भैया, बहुत ज़्यादा आपसे, आप भी माँ बाप हैं, ऐसे हमारे साथ जितने पत्रकार बंधु वो भी माँ बाप हैं, और यहाँ अपितु सभी हम सब पेरेंट्स हैं, हम भाई हैं, हम मित्र हैं, हम सब रिश्तों में हम सब लोग हैं। तो हमारी इच्छा ये है कि हमारे रिश्तों में जैसे छोटी सी बात होती है, पिछली बार हिंदुत्व में आप सब साथ में थे तो मैंने एक ही प्रश्न किया था और आप सब बड़े मुस्कुरा के, और अपितु आपने बड़ा प्यार दिया था उस समय, जो कि हमारा पहला परिचय था, लेकिन आप लोग वहीं भारत माता की जय बोलने लगे और आप सब हमारे साथ खड़े हो गए। इसलिए नहीं खड़े हुए कि मैं बहुत ज्ञानी हूँ या बहुत नॉलेजफुल, नहीं, इसलिए खड़े हुए कि मैंने ट्रू बात किया, सत्य बात किया। हम ये चाहते हैं कि सनातन जो है, जो ट्रू है, जो भारत है हमारा, ऐसा भारत दुनिया में कहीं नहीं है जहाँ सर्वे भवन्तु सुखिना सिखाया जाता है, सर्वे संतु निरामया, सर्वे भद्राण पश्यन्तु माँ कश्चित दुख भाव भवेत। हे माँ, सबको खुश करो, चाइना को खुश करो, जापान को खुश करो, सब पे आनंद होना चाहिए, और अगर सब आनंदित हों तो भारत भी आनंदित है, ऐसा मंत्र पढ़ने वाला कोई देश कोई कंट्री नहीं है। तो मैं ये चाहता हूँ कि इतना जो हमारा वसुदेव कुटुंबकम मंत्र है वो सनातन के द्वारा कैसे निकला, क्यों निकला, कैसे करें, कैसे शिवाजी महाराज ने एक करके सबको स्वराज स्थापित किया, ऐसे ही मैं चाहता हूँ कि सनातन में, वेद में आज भी इतनी ताकत है। इंग्लिश मीडियम बनना गलत नहीं है, इंग्लिश मीडियम खूब अच्छे से पढ़ाएंगे, तो हमारा जो स्टार्टिंग है कि गुरुकुल विद्यालय खोलें, फिर यूनिवर्सिटी खोलें, फिर उनको एजुकेशन दें, और एजुकेशन इसलिए दें कि वो इंग्लिश मीडियम भी पढ़ें और गुरुकुल भी जानें, वेद भी जानें, और साथ में अपने सारे सब्जेक्ट्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ सब पढ़ें, और IAS भी बने, PCS बने, मगर विद संस्कार, संस्कार के साथ बने, ताकि माँ को माँ कहने में डर न लगे, पिता को पिता कहने में डर न लगे, प्रणाम करने में कोई कभी घबराहट ना हो, और हर माँ बाप चाहते हैं कि उनका बच्चा संस्कारी हो। तो इस कार्य का शुरुआत भी हम लोग बहुत जल्दी करेंगे और मिलके करेंगे, यही इच्छा है। आप सबका भी साथ चाहिए, हम सब एक साथ होके भारत में सनातन को कैसे सनातन बनाया सकता है, इस कार्य को करने के लिए पहले एजुकेशन देना जरूरी है, क्योंकि एजुकेशन होगा तो लोग, बड़ी सीधी बात है, विद्या ददाति विनयम, जब आपके पास ज्ञान होगा तो आप विनयवान होंगे, और जिसके पास ज्ञान होगा वो कभी भूखा नहीं मरेगा। तो ये बात मेरा कहना है, सनातन बनाने के लिए हम इस कार्य को बहुत जल्दी शुरूएंगे, इस कथा के बाद अगला कार्यक्रम यही करेंगे। सबसे पहले तो मैं आप सभी को नमस्कार करना चाहूँगी। आपने शायद सुना होगा कि औरत का जो जन्म होता है और उसे अगर उसने कुछ ठान ली तो वो कर देती है, तो हमारे बारे में भी हम ऐसा ही कुछ कहना चाहेंगे कि हमारी जर्नी में बहुत सारे उतार चढ़ाव आए, और जो भी हमने निर्णय मेरी ज़िंदगी में लिया है वो हमेशा यही समझ के लिया है कि यही शायद मैं करना मैं इसके लिए करने के लिए यहाँ पैदा हुई हूँ। शिक्षण हुआ उसके बाद में मैंने ये नहीं सोचा था कि मैं फिल्म बनाऊँगी, पर ऐसा कुछ हो गया ज़िंदगी में कि वो प्रसंग आ गया कि मुझे फिल्में बनाने के लिए बहुत प्रोत्साहित किया गया, और मेरे बच्चों ने प्रोत्साहित किया गया इनफैक्ट, और जो भी है आपको पता होगा कि कला के प्रति हमारे पूरे ख़ानदान को बहुत ही रुचि है, और हमें भी वो रुचि थी, कॉलेज में भी हम बहुत ही कला के इसमें क्लोजली काम कर रहे थे, तो इसलिए फिल्म इंडस्ट्री में हमारी एंट्री हो गई। और वहाँ जब कामयाबी मिलने के बाद एक इंसान को एक बहुत अच्छा सा आत्मविश्वास होता है, विश्वास आ जाता है, और सोशल वर्क हमारे ज़िंदगी में पहले से ही मौजूद था, तो
सोशल वर्क का किरदार जो हम निभा रहे थे हमारे ज़िंदगी में वो बहुत ही नेचुरली आ रहा था। और वैसे सालों साल ऐसे, जैसे इन्होंने कहा कि 25 साल कैसे गुजर गए मुझे खुद को नहीं पता चला। तो हमारे माँ बाप ने जो भी शिक्षा हमें दी है या दीक्षा दी है उसमें से यही सिखाया गया कि जो भी आप करना चाहोगे, भले समाज के लिए हो, खुद के लिए हो, बच्चों के लिए, उसके प्रति आपको 100% आपको अपना देना है। तो बाकी कामयाबी आए ना आए वो बात की बात होती है। तो ऊपर वाले पे भरोसा रख के हम यहाँ तक पहुँचे हैं। और ऊपर वाले पे भरोसा वो पहले से ही था, उसको कहीं ना कहीं मुझे एक चैनलाइज करना बहुत ज़रूरी था। और भगवान की कृपा से मुझे गुरुजी जैसे एक ऐसे इंसान मिले जिनके बातों से मैं बहुत ही प्रभावित हो गई, उनके ज्ञान से बड़ी प्रभावित हो गई। और मैं माता की भक्त हूँ, मैं दुर्गा माता को बहुत मानती हूँ और कृष्ण की भगवद गीता पढ़ी हूँ। इनको मिलने के बाद भगवद गीता क्या है या भगवत क्या है या कृष्ण की लीला क्या है वो और गहरी तरह से मुझे जानने का अवसर मिला। और मैंने सोचा कि ये जो मैं नहीं जानती थी तो शायद कई लोग नहीं जानते हैं या यंगर जनरेशन को कुछ नहीं पता है इसके बारे में कि कृष्ण एक बहुत से भगवान के तौर पे हमें नहीं देखना चाहिए, क्योंकि कृष्ण के रूप भी बहुत है और कृष्ण एक बहुत बड़ा टीचर है जो हम सबको पता है। तो क्यों नहीं हम अगर यूथ को कुछ समझे ऐसी बातें कहें। गुरुजी अगर आप उनको मिले हैं तो उनके साथ जब बातचीत की है तो मुझे लगता है वो हर स्तर के लोगों तक पहुँच सकते हैं। उनकी बोली भाषा जो भी होती है बच्चों को भी बहुत प्यार से समझाते हैं। तो मुझे लगता है कि इनकी भागवत कथा अगर मैं अपने यहाँ से शुरू करूँ या लोगों तक तो पहुँचाने की कोशिश करूँ तो ये बहुत सही व्यक्ति है जहाँ से मैं ये शुरुआत करना चाहती हूँ। और मुझे बहुत प्रसन्न हूँ कि जो निर्णय मैंने लिया है, मेरा खुद का ऑडिटोरियम है, मुक्ति कल्चरल हब है और वहाँ से मैं अभी शुरुआत कर रही हूँ। पर एक इसको एक अभियान के तौर पे मैं देखना चाहती हूँ, ना कि केवल एक कथा करके मुझे चुप बैठना है। मुझे गुरुजी से मैं हमेशा बात करती हूँ कि हमको अगर आपका साथ मिला मुझे तो हम एक गुरुकुल जैसी शिक्षण संस्था भी शुरू करें, जिसमें आज की तारीख में बहुत ज़रूरी है। ये नहीं मैं बोल रही कि आज की टेक्नोलॉजी को नहीं सीखना चाहिए या अंग्रेज़ी नहीं सीखना चाहिए या हमको अंग्रेज़ी मीडियम में नहीं, पर मैं चाहती हूँ कि हमारे घर के संस्कार ऐसे हो कि हमारी खुद की भाषा, मातृभाषा को ना बोले। आजकल वो यो मॉम यो दिस काइंड ऑफ लैंग्वेज घर में भी चलती रहती है तो वो कहीं ना कहीं मुझे खटकती है कि मेरे बच्चों को मैं बोलती हूँ मुझे आई बोलना, मुझे आई ही शब्द सुनने को बड़ा अच्छा लगता है। मॉम ये वो सब चीज़ें अच्छी है, मैं ना नहीं बोलती हूँ, अपनी अपनी जगह वो अच्छी है, पर मेरी मातृभाषा मुझे आई के नाम पे पुकार अगर मुझे सुनाई देता है तो अपनापन होता है। तो ये सब चीज़ें हमारे संस्कार में है और मेरे माँ बाप ने हमको सिखाई है। तो सनातन अगर आप देखा जाए तो हमारे बीच में ही है सनातन। सनातन आप में है, सनातन मुझ में है। सनातन कोई एक कलर नहीं है उसको। सनातन एक कर्म है जो हम करते हैं और वो कर्म हमको सिखाया जाता है कि ये अच्छा कर्म है, ये बुरा कर्म है। अभी जो पंथ आए हैं, जो भी सांप्रदाय है, बाकी के जो आप हम बोलते हैं मुस्लिम सिख ये वो, पर सनातन ये धर्म बहुत पुरातन धर्म है जो कि कई हजारों सालों से चलता आ रहा है। तो आज जो सनातन सनातन की बातें की जा रहे हैं वो तो नई कोई है ही नहीं, पर लोगों तक पहुँची नहीं है अभी तक वो बातें। तो आज अगर मोदी जी अपने यहाँ आए हैं और उन्होंने इस धर्म को जानने की या लोगों तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं तो उसमें बुरा क्या है? हमको सबको जानना ज़रूरी है कि है क्या ये सनातन, क्यों बोला जाता है, ये हमारा धर्म है, ये सूर्य है जो सबके लिए सेम है। ये नहीं देखता ना मुस्लिम है, हिंदू है, क्या है, वो सूर्य है। तो यही परिभाषा में बोलना चाहती हूँ कि सनातन एक सूर्य है, सनातन हवा है, सनातन पानी है। तो मेरा जब मैं बहुत ही कन्फर्म अपने विचारों से होती हूँ तब वो विचार लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करती हूँ।
मेरा समाज कार्य भी अभी मुझे लगता है कि नहीं, मुझे आज की तारीख में एड्स के लिए काम करना ज़रूरी है तो मैं एड्स के लिए काम करती हूँ। मुझे लगता है कि मैं ड्रग्स अब्यूज़ अभी बहुत समाज में ज़्यादा हो गया है, मैं उनके लिए काम करती हूँ। तो नीड ऑफ एन आवर विच इज़ वॉट आई एम, माई नेचर इज़, और वो मैं करती जाऊँगी। आज वही उद्देश्य से कथा भी हो रही है। जैसे कि मैंने अभी कहा कि वो मेरा अभी उद्देश्य यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सनातन को पहुँचाऊँ, ये बहुत बड़ा उद्देश्य है। बाकी जो विमेन एम्पावरमेंट मेरा जो करती आ रही हूँ मुक्ति फाउंडेशन में, और 25 साल पूरे होने के बाद जो भी हमारी चिल्ड्रेन और विमेन को एम्पावरमेंट, ये हमारा मुख्य लक्ष्य है, जहाँ मैं एजुकेशन और औरतों को अपना जो उसके अंदर की नारी शक्ति को मैं हमेशा टटोलती और जागरूक करने की कोशिश करती हूँ। तो मेरा उद्देश्य यही रहा है और यही रहेगा, वो तो काम चलता रहेगा मुक्ति फाउंडेशन के अंतर्गत। और बाकी अगर धर्म का काम करना है तो मैं सनातन को मैंने आगे लेके जाना है। चलते चलते एक लास्ट सवाल कि ये जो कार्यक्रम वर्ष शुरू होगा, इस कार्यक्रम की अलग अलग दिन अलग अलग कलाकार और अलग अलग कथा आने वाले हैं, तो इसमें क्या क्या हर रोज क्या? एक्चुअली हमने सबको यही गवर्नर साहब जी ने बहुत ही सादगी से हमको आधा मिनट भी नहीं लगाया कि आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं और ये आपकी आपका एक नया पहलू मैं देख रहा हूँ, तो मैं डेफिनेटली मैं इसको सपोर्ट करना चाहूँगा, और उन्होंने हाँ कर दी। तो गवर्नर साहब भी आ रहे हैं, और जैसे कि मैं समझती हूँ कि फिल्म इंडस्ट्री के लोग या म्यूज़िक इंडस्ट्री के लोग, अगर ये सेलिब्रिटीज़ होते हैं, अगर सेलिब्रिटीज़ ने कुछ कहा तो डेफिनेटली लोगों तक बहुत जल्दी पहुँचता है। तो मैं ज़्यादातर कोशिश करती हूँ कि मैं इनको भी बुलाऊँ अपने प्लेटफॉर्म पर और लोगों तक कुछ एक मैसेज देने की कोशिश करूँ। और कल अगर सुखविंदर आ रहे हैं और वो उनकी आवाज़ में अगर दो शब्द बोले और उनकी आवाज़ में अगर वो भजन बोले तो लोगों को पसंद आता है। और उसके बाद में गुरुजी की भागवत कथा तो हमने खुद सुनी है, बहुत ही रोचक तरीके से वो कथा कहते हैं और हम आप एक दूसरे को समझने वाली लैंग्वेज में वो बात करते हैं, तो ये बहुत बहुत खूबसूरत चीज़ है जो मैंने उनसे देखी है और उनसे सीखी है। बस अभी बहुत ही जल्दी मैं अपना आपको सबके सामने डिक्लेयर करूँगी। अभी काम चल रहा है क्योंकि बहुत ही जल्दी है, पर आप जिसका इंतज़ार करते हो वो फिल्म ज़रूर आएगी मेरी तरफ से। थैंक यू।